हेलो टीचर्स, वेलकम टू और न्यू लो। तो आज देखो, ये वाला अपना न्यू अकाउंट है जिसमें मैंने 20,000 डिपॉजिट करके रखा है, ठीक है। तो आज का देखो अपना टारगेट जो है, वो अपना जो भी कैपिटल है उसके ऊपर 10 या 20% अपन गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे 20K मेरा डिपोजिट है और मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट में टाइप करके रखा है वो होता है 1,000 रुपीज लिख के रखा है, ठीक है। तो आज का जो ट्रेडिंग रहेगा वो भी प्राइस एक्शन पे ही रहने वाला है, सीखने को काफी कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ओके यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया, पहले वो बेटर चांस मिल गया तो स्टार्टिंग में ही प्लेस कर दिया। देखो आज अपना पहला ट्रेड है, ठीक है। ये अपना जो है वो न्यू अकाउंट है तो उसी में ट्रेड कर रहा हूँ मैं डिपोजिट करके। तो ये वाला जो ट्रेड है वो क्यों प्लेस किया, देख लो यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने इसको ब्रेक करके मार्केट गया है, काफी अच्छा मूवमेंट लिया है ऊपर की तरफ। तो ये पहले जो रेजिस्टर था वो अभी एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए, काफी डीप डाउन आ चुका था तो मैंने प्लेस कर दिया ट्रेड। अभी रिजल्ट इसका देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव में ही जा रहा है, बिकॉज नॉलेज परफेक्ट होगा तो पॉजिटिव में ही जाएगा, ठीक है। तो अपना ये वाला जो ट्रेड है वो ITM हो चुका है। देख लो अभी अपन ट्रेड प्लेस करेंगे फिर से $1,000 के, 1,000 इंडियन रुपीज के साथ ही ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। अपने को चाहिए ऊपर 20K के ऊपर 3 या 4 के प्रॉफिट समथिंग निकल जाएगा, वो इतना काफी है, ठीक है। GBP USD का पेयर खोला, अभी इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा तो अपन USD को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और जो लोग अपना लॉस रिकवरी करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल एक बार चेकआउट जरूर करना, हो सकते हैं वहां से आपका लॉस रिकवर हो जाए, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। आप लोगों के लिए स्पेशली अलग ग्रुप बना के रखा है जिनका भी लॉस से रिकवर हो सकता है इजीली। जस्ट आपको जो भी प्रोसेस बता रखा है ग्रुप में मैसेज पिन करके रखा है उसको फॉलो करना है, आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा बट हाँ जरूर होगा, 1 या 2 मंथ आपका इजीली लग जाएगा। यहाँ पे देखो सेम सीनारियो बन चुका है, सपोर्ट एरिया है बट यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, तो मैं जा रहा हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए 1,000 रुपीज के साथ। ये वाला जो ट्रेड है अगर मेरा लॉस जाता है तो मैं फिर से मार्टिंगल प्लेस करके गेन कर लूंगा, बट मेरे को श्योरिटी है कि ये जो है मार्केट अभी डाउन ही जाना है, क्योंकि देख लो यहाँ पे एक बार एनालाइज करके दिखाओ तो देख लो ऊपर की तरफ सीनेरियो क्या बना है वो देख लो एक बार, ठीक है। देखो मार्केट जो एक रेंज में घूम रहा था, मार्केट पहले था अपना डाउन डायरेक्शन में, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद जो मैंने एरिया ड्रॉ किया दो ग्रीन लाइन हो गया उसी के बीच में मार्केट घूम रहा था, और फाइनली मार्केट ने क्या किया ब्रेकआउट दिया एक अच्छी हेल्थी कैंडल के साथ जो कि रेड कैंडल है। तो मार्केट का इजीली रुख जो है वो डाउन डायरेक्शन में रहने वाला है, तो मैंने डाउन के लिए प्लेस कर दिया। लाइव मार्केट है तो एक एरर दिया तो मैं मार्टिंगल के साथ उसको विन कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो अभी पिक टू पिक चल ही रहा है, फिर भी मैं रेडी हूँ, अगर मेरा लॉस जाए तो मैं 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा एक साथ, ठीक है। तो अपना देखो लॉस गया तो मैंने 2 ट्रेड डाउन में स्टार्टिंग में ही प्लेस कर दिया। देखो मैं वेट नहीं करना चाहता क्योंकि अपना एज अ शॉर्ट शॉर्ट की तरह ही वर्क करने वाला है ये, इसीलिए प्लेस कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो वेट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी एक और सपोर्ट एरिया या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, एक मिनट इसको करेंगे कॉपी और थोड़ा नीचे की तरफ। अभी देखो प्रीवियस मार्केट को देखा जाए तो अपना जो नेक्स्ट मार्केट का लेवल है यही पे बन रहा है, जो हमारा जो ये वाला रेड कैंडल है उसने वीक छोड़ा है वही पे अपना लेवल क्रिएट हो रहा है। पीछे की साइड भी मैंने देखा तो यहाँ पे भी आप देख लो एक बार, बार बार इसी अपना जो इसी लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिला है। अगर ये वाला भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट जो मार्केट है वो और नीचे जा सकता है, और ये फाइनली इस लेवल को भी ब्रेक कर ले काफी ज्यादा डाउन मूवमेंट आ चुका है। अपना जो है वो ट्रेड यहाँ पे भी इजिली ITM हो चुका है, तो 21K के साथ अपन आ चुके 1,500 और ऊपर 70 रुपये समथिंग प्रॉफिट बन चुका है अपना। अभी देखो डायरेक्ट डाउन के लिए प्लेस नहीं कर रहा, हिस्ट्री को शिफ्ट करके थोड़ा नीचे लाता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं, ठीक है। लेवल और भी नीचे है बट मैं अभी एक प्लेस नहीं करूँगा, अभी पेयर चेंज करते हैं, एक ही पेयर में नहीं करूँगा, अलग अलग पेयर में ट्रेड करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिल जाए एक बार फिर से हिस्ट्री जगह खोलो, ठीक है। एक ही अपना लॉस गया है उसको भी मैंने मार्टिंगल देखे कवर करके दिखा दिया सेम उसमें उसी पेयर में, ठीक है। तो यूरो JPY को देखते, यूरो JPY देखो प्रीवियस जो यहाँ पे ट्रेड लिया ना
उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट ब्रेक कर नहीं पा रहा। और फाइनली मेरे को लग रहा है ये अपना, एक मिनट, ओके, ब्रेक कर दिया, डाउन फेस कर दिया, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप डाउन देख लो कैंडल का क्लोजिंग जो हुआ यहाँ इस पॉइंट पे हुआ है, और जो अपना ये वाला कैंडल स्टार्ट हुआ वो थोड़ा नीचे से हुआ है। अच्छा खासा सेल का प्रेशर है, बट जो भी बच्चों पीछे बायर है यानी कि गिने चुने लोग हैं वो बायर की एंट्री में यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि बाय ऑर्डर जो रहते हैं ना वो यहाँ पे एग्जीबिट हो चुके हैं। यानी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये वाला ग्रीन कैंडल बन भी जाता है तो मैं नेक्स्ट मार्किंग कर लेके उसको कवर कर लूंगा। बट देखो कैंडल अच्छा खासा ग्रीन बन जाता है तो ये वाला जो अपना रेड कैंडल है वो एज अ फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। और अभी देख लो फेक ब्रेकआउट वाला ही काम हो चुका है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अपन वेट कर दे, अगर इसके नीचे क्लोज दे दे तो अच्छा रहेगा, अपना जो ट्रेड है वो मार्टिंगल वाला बन जाएगा। बट ये ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ चला गया तो अभी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे मार्टिंगल प्लेस करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अवॉइड करने वाला हूँ, मार्टिंगल ऐसे में नहीं लेना चाहिए, अपन पियर ही चेंज कर देते। ओके, काफी ज्यादा ऊपर जाने के बाद एक एंट्री यहाँ पे था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देख लो एक एंट्री अपना यहाँ पे था, एकदम परफेक्ट वाला ट्रेड अपन प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल है। पीछे की साइड भी देख लो, एक टच यहाँ पे एकदम प्रॉपर लेवल टू लेवल मार्केट चल रहा है, ये अपना जीबीपी यूएसडी का मार्केट है, पर प्लेस नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे भी प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ था उसी को देखते हुए मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, या ये वाला जो अपना ट्रेड है वो दो प्लेस करना पड़ेगा। अपना एक लॉस कर चुके हैं और अपना अभी उसी को एज अ मार्किंग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाए तो एंट्री ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। अभी देखो तो वीक छोड़ दिया, गैप थोड़ा बचा है, तो अभी एंट्री ओपनिंग ओपनिंग प्राइस पे लूंगा तो रिस्की हो सकते हैं, तो वेट करूंगा कि और ज्यादा नीचे आए तभी प्लेस करो। तब तक के लिए यूरो यूएसडी को एक बार देख लेते वहां पे क्या सिचुएशन चल रहा है। नीचे से रिजेक्शन प्लस पैटर्न, देखो यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन की वजह से एंट्री गलत हो गया, बट ट्रेड अपना श्योर श्योर ही है। बट कैंडल अगर छोटा ग्रीन बना तब जाके लॉस होगा, अदरवाइज अपना जो एनालाइज है उसके हिसाब से इस कैंडल को इजीली ग्रीन ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो रीजन बता देता हूँ, एक मिनट, लाइन इसको पहले फिक्स कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखा दो, अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लो इजी अपना ज्यादा लॉजिक है ना यहाँ पे, ठीक है। देखो पीछे की साइड अपना जो एरिया बन रहा है, एक ऊपर मैक्सिमम पीक जो है वह यहाँ पे है, उसके बाद अपना जो लेवल यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, ठीक है अपना, ठीक है। देखो जहाँ पे एंट्री था वहीं पे क्लोज दिया, यहाँ पे एंट्री समथिंग यहाँ पे था मेरा और क्लोज भी उसके नीचे दिया, कैंडल तो ग्रीन ही बना, प्रेडिक्शन अपना परफेक्ट था, फ्लक्चुएशन की वजह से एंट्री गलत लग गया था। अभी देखो टोटल तीन तीन के लॉस जा चुका है, एक मेरा बीच में आ रहा था, एक और इनका। ओके देखो टोटल अभी बैक टू बैक एक अपना लॉस है और मार्टिंगल जो लिया मैंने दो ट्रेड बेच के वो भी लॉस है, यानी कि टोटल थ्री अपना लॉस है। तो यहाँ पे जो अपना ट्रेड बनता है वो 6,000 का बन रहा है, ठीक है। अभी उसी को कवर करना है अपने को, यानी कि ये जो वाला जो मेरा ट्रेड है वो लास्ट रहने वाला है, क्योंकि ये वाला अगर लॉस जाता है तो अपना अमाउंट जो अच्छा खासा खाली हो जाएगा, यानी कि बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कवर कर लेंगे, बट कोई दिक्कत है नहीं, अपना एनालाइज परफेक्ट करेंगे उसके बाद ट्रेड पिच करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी जहाँ पे चल रहा है यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए था, देख करके मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है अच्छा खासा, अभी और ज्यादा मार्केट ऊपर रहने वाला है, ठीक है। ब्रेकआउट होने रिट्रेसमेंट जो इस कैंडल ने किया है अच्छा खासा डीप ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। बट प्लेस नहीं कर पाए क्योंकि देखो ओपनिंग गलत जगह पे हुआ है, गैप ओपनिंग हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, और अपने को अभी रिस्क लेने का है ही नहीं, ऑलरेडी बैक टू बैक तीन लॉस जा चुका है विथ मार्टिंगल। तो अभी देखो अभी एंट्री का चांस कम कहाँ मिला है, यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम पीक जहाँ पे मार्केट में छोड़ा है,
वही पे अभी अपना रेजिस्टेंस लेवल पे ही चल रहा है, अभी वेट करता हूँ ऊपर वाला एरिया को टच कर जाए तो बेटर रहेगा। वैसे इसके नीचे क्लोज नहीं तो ले सकते, बट देखो ये ओके, देखो गैप छोड़ दिया, ऊपर वाला लेवल अभी भी बाकी है तो यहाँ पे प्लेस नहीं करूँगा। जल्दबाजी करके आपको अगर मैं लॉस करने से अच्छा थोड़ा वेट किया जाए और रिकवर कर लेंगे उसको। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, देखो परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे ही लाइव जब ट्रेड किया जाता है तो ऐसे ही आपको एनालाइज करते रहना है और ट्रेड लेना है। देख लो एकदम परफेक्ट अपना जो लेवल जा रहा है वो, तो अभी यानी कि यहाँ से अभी और भी ऊपर रहने वाला है, उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल आएगा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साथ साथ ट्रेंड के हिसाब से देखो अप डायरेक्शन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो अपना ये वाला लाइन है ऊपर वाला, उसी को टच करेगा, उसके बाद ही डाउनफॉल आएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए डाउन जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे देखो ओके, रुको एक मिनट थोड़ा पीछे देख लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो इसी लाइन को थोड़ा ऊपर से करके यहाँ पे लगा रहा हूँ, एकदम डबल एरिया क्रिएट हो रहा है, पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही एंट्री लूंगा। बड़ा ट्रेड है तो रिस्क तो इतना जल्दी नहीं लेना, देखो परफेक्ट एंट्री था पर ट्रेड प्लेस नहीं किया क्योंकि एंट्री नहीं मिला। ठीक थोड़ा वेट कर लो, इसको कवर करने के बाद वीडियो को क्लोज करेंगे, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखो नॉलेज अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जिनका मैंने बोल दिया कि लॉस रिकवर करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है, देखो ना कोई VIP है ना कोई सिग्नल है, ठीक है जो भी है आपको सेल्फ लर्निंग फ्री में सीखने को मिल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली बना चुका हूँ, ठीक है तो सिग्नल नाम की कोई चीज़ है नहीं, ठीक है जो भी है लाइव आप लोगों के साथ होता है, डिस्कस होता है। और यहाँ पे अभी जो ट्रेंड लाइन डाउन डायरेक्शन में बन रहा है जो कि मैंने ड्रॉ किया नहीं बट फिर भी मेरे को दिख रहा है, तो देखो ऐसे ही आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, तभी आप मतलब समझ पाओगे कैसे क्या चलता है यहाँ पे। ओके मैं रिस्क ले रही हूँ और यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, एक और ट्रेड श्योर है, ठीक है इसीलिए एक और लगा लेता बट डाउन आ चुका है, ठीक है तो अभी प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन श्योर था यहाँ पे इसलिए इजीली विन कर लूंगा, मेरे को बताया। ठीक है देखो 3 या 4 मिनट वेट करने के बाद अब जाके एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। देखो जब ट्रेंड लाइन पे आता है तो ये अपना फर्स्ट जो दो टच रहता है यानी कि एक टच यहाँ पे सेकंड टच यहाँ पे, तो इस दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनता है जो कि तीसरा जो अपना टच रहता है, ये तीसरा टच है वो अपना श्योर रहता है। श्योर यानी कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो इजिली डाउन ही जाएगा, विन हो जाएगा। ये तीसरा ट्रस्ट था तो मैं श्योर था तो इसीलिए यहाँ पे प्लेस किया, और जो अपना ट्रेड है वो ITM मुझ पर 10K प्लस अपना आ गया यानी कि 23K के तक पहुंच चुके, तो प्रॉफिट अभी भी एक और विन करना पड़ेगा तब जाके अपना हो जाएगा आज का प्रॉफिट डन, जो भी अपना क्रिटिकल पे अपने को चाहिए था। ठीक है अभी और यहाँ से ब्रेक ही हुआ है मार्केट, देखो ब्रेक कर चुका है बट फिर भी इतना जल्दी प्लेस नहीं करेंगे, विदाउट एनालाइज नहीं करने वाले कुछ भी, तो जब तक अपने को कंफर्म ना हो तब तक ट्रेड में प्लेस नहीं करने वाले। तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ नहीं, मेरे को लग रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे देख लो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे चुका है बट रिट्रेसमेंट हुआ नहीं अभी तक, कोई भी ग्रीन कैंडल आया नहीं, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल आने के चांस है तो कहाँ से ग्रीन कैंडल आया उसी को अपन फाइल कर देते ताकि अपने को वहां से मिल जाए। ओके यहाँ से परफेक्ट है, एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा डाउन आने दो, ग्रीन ही कैंडल आने वाला है रिट्रेसमेंट के लिए, चलो यहाँ से प्लेस कर देते हैं। और एंट्री देखो हमेशा की तरह यार गलत ही लग जाता है, देख प्लेस मिली यहाँ पे लिया यानी कि यहाँ पे क्लिक किया था हमने बट लगा कहाँ पे यहाँ पे, तो फ्लक्चुएशन की वजह से यही प्रॉब्लम हो जाता है। एनालाइज कितना भी परफेक्ट हो देखो कैंडल तो ग्रीन ही बनने वाला है बट फिर भी हो सकता है लॉस जाए, कैंडल अगर बड़ा बनता है तो विन हो जाएगा, अदरवाइज देखो ग्रीन बनने के बावजूद भी अगर यहाँ पे छोटा ग्रीन हुआ तो अपना जो है वो लॉस जा सकता है। एक और ट्रेड लेने के बाद इसको कवर करना पड़ेगा,
पर जहां तक मेरे को लगता है देखो अच्छा सा ग्रीन बन सकता है, जैसे ना कि रिट्रेसमेंट के लिए एक कैंडल आना चाहिए, तो ये वाला जो है वो रिट्रेसमेंट कैंडल ही बन रहा है। तो पहले से अगर पता लगा सकते हो इस टाइप से नॉलेज के यूज करके, तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो अपना देख लो एंट्री कितना लेट था, फिर भी विन कर लिया बिकॉज ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे आपको सीखना है तो आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, और कॉन्टैक्ट अकाउंट आपका नहीं है तो उसका भी लिंक दे रखा है, जाके अकाउंट क्रिएट करो, सक्सेस प्रूफ में ऐड कर लो, तो वहां से ही आपका 1 या 2 महीने में आपका लॉस रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फायदा हो जाएगा, बाकी और तो कुछ सिग्नल विग्नल देते हैं नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाओ, सीखते रहो और ट्रेड करते रहो, गैम्बलिंग मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देख के बाय बाय।